हे दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी 5G नेटवर्क के बारे में, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए थे। तो उन ऑक्शंस में सिर्फ चार कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जो कि थी जियो, एयरटेल, BI एंड इस फील्ड में एक नया नाम भी सुनने को मिला था हमें, जो कि है अडानी ग्रुप, क्योंकि इन्होंने इसमें 212 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लाइक एक 5G की बैंडविड्थ खरीदी थी 26 GHz। एंड दोस्तों उस टाइम इन्होंने तीनों कंपनियों के कान खड़े कर दिए थे पीके की तरह, लेकिन बाद में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये अपने प्राइवेट यूज के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदी है। एंड दोस्तों उस टाइम कुछ लोगों को लगा भी था कि बहुत बड़ी कंपनी है एंड इसको प्राइवेट नेटवर्क की जरूरत हो सकती है, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में इससे बड़ी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक एप्पल वेप्पल बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनको तो ऐसा कोई प्राइवेट नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा इसी को क्यों जरूरत पड़ी? तो अब बात खुल के सामने आ गई है। लाइक अडानी नेटवर्क को अब यूनिफाइड लाइसेंस, लाइक जो टेलीकॉम कंपनियों के पास लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस मिल गया है दोस्तों। और शायद अब अडानी ग्रुप भी दूसरी कंपनियों की तरह हमारे देश में 5G रोल आउट करने के लिए तैयार हो गया है। एंड दोस्तों अडानी 5G हमको इन 6 शहरों में देखने को मिल सकता है वैसे, जो कि है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मुंबई। वैसे दोस्तों राजस्थान को हटाकर ये सारे शहरों में एयरटेल और जियो ने 5G रोल आउट पहले से ही कर दिया है। वैसे दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जियो और एयरटेल को टक्कर देगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कमेंट में जरूर बता देना। एंड दोस्तों इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, एंड रिचार्ज के भी बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ लीक से पता चला है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसका। एंड दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।